Today's topic is placenta. Here you can see the position of the placenta. From placenta, the umbilical cord arises and it is connected with the fetus. And this round one structure in which the fetus is sleeping, it is known as fetal sac. Now, what is placenta? Placenta is a flat, round mass organ that develops in uterus during pregnancy. तो प्लासेंटा एक फ्लैट राउंड मास ऑर्गन है जो कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के समय में डेवलप होता है. ये इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर होता है. इसका थिकनेस सेंटर में 25 सेंटीमीटर का होता है. ये वेरी भी कर सकता है 20 से 30 सेंटीमीटर तक. द एवरेज वेट ऑफ प्लासेंटा एट द टर्म इज़ 500 ग्राम. तो प्लासेंटा का वेट है जो एट टर्म, मतलब कि पूरे जब महीना कंप्लीट हो जाता है, पूरे डेज कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय इसका जो वेट है 500 ग्राम होता है एवरेज. और रेशियो जो प्लासेंटा वेट और न्यू बॉर्न का रेशियो है वो 1:6, मतलब कि 6 गुना, जो 6 गुना वेट फिटस का ज़्यादा होगा प्लासेंटा से. नॉट डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा. प्लासेंटा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्टिक लेयर ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम. तो प्लासेंटा जो ट्रोपोब्लास्टिक लेयर से आपका ओरिजिनेट होता है, जो कि ये ट्रोपोब्लास्टिक लेयर आपका जब ओवम फर्टिलाइज्ड होता है तो उस समय ये बनता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन कोरियोनिक विलाई फॉर्म एंड बिकम मोर प्रोफ्यूज इन द बेसल रेसिडुआ वेयर द ब्लड सप्लाई इज रिचेस्ट. फर्टिलाइजेशन के बाद कोरियोनिक विलाई भी बनता है. तो ये जो कोरियोनिक विलाई है वो ब्लड सप्लाई जहाँ रिचेस्ट होता है, दैट इज़ द बेसल डेसिडुआ पार्ट. तो बेसल डेसिडुआ का वो एरिया जहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये कोरियोनिक विलाई ज़्यादा प्रोफ्यूज अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में वहाँ फॉर्म होने लगता है, बनने लगता है, ठीक है. और ये जो ट्रोपोप्लास्ट का पार्ट होता है, इसी को हम लोग कोरियोनिक फ्रोंडोसम कहते हैं. और मेनली जो कोरियोनिक फ्रोंडोसम से ही प्लासेंटा डेवलप्स होता है. नाउ जो द विलाई इरोड्स द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स. तो जो कोरियोनिक फ्रोंडोसम है वो धीरे धीरे क्या करता है, ब्लड वेसल्स को इरोड करने लगता है, मतलब कि उसको भेदन करने लगता है, ठीक है, उसके डीपली उसमें इम्बेड होने लगता है और पेनिट्रेट करता है हमारे डेसिडुआ लेयर ऑफ द डेसिडुआ पार्ट. ठीक है, डेसिडुआ पार्ट किसको कहते हैं, यूट्रस में जो भी प्रेगनेंसी के बाद में जो भी मसल्स में जो थिकनेस आने लगती है वो पार्ट को हम लोग डेसिडुआ कहते हैं. तो उस डेसिडुआ में ये जो आपका विलाई है वो आपको पेनिट्रेट करने लगता है, ठीक है, और पेनिट्रेट करके वो कहाँ पहुँच जाता है, मैटरनल ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ जाता है. और ऐसे ही वो मैटरनल ब्लड के कॉन्टैक्ट में आता है, वो एब्जॉर्ब करने लगता है फूड एंड ऑक्सीजन को और साथ साथ एक्सक्रीट करने लगता है वेस्ट मटेरियल को. तो वो विलाई जो कि ऑक्सीजन और फूड को एब्जॉर्ब करते हैं उससे न्यूट्रिटिव विलाई कहते हैं. और जो डेसिडुआ पार्ट को मतलब कि बहुत अच्छे से अटैच्ड कर पाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इम्बेड कर पाते हैं, उसको हम लोग एंकरिंग विलाई कहते हैं. द प्लासेंटा इज़ कम्प्लीटली फॉर्म्ड एंड फंक्शनिंग फ्रॉम 10 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो प्लासेंटा जो है वो इसी तरह बनता है और ये जो इसका जो काम है वो स्टार्ट होता है 10 वीक्स फर्टिलाइजेशन के 10 वीक्स के बाद. नाउ प्लासेंटल फंक्शन. तो इसके प्लासेंटा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पहला है न्यूट्रिशन. ये बताएं कि प्लासेंटा है जो फीटस, ग्रोइंग फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लाइक अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड अदर मिनरल्स. तो जितने भी उसके फीटस के डेवलपमेंट के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारा प्लासेंटा ही प्रोवाइड करता है. ये जो प्लासेंटा हम मदर से जो भी मदर डाइट लेती है उसी से बेबी को प्लासेंटा के थ्रू बेबी को तक ये पहुंचता है. नाउ स्टोरेज. द प्लासेंटा मेटाबोलाइजेस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो प्लासेंटा एक ये भी काम करता है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में
मतलब स्टोर करके रखता है, और जब भी उसको बेबी को इसके डेवलपमेंट के समय में जब कभी भी उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन फिर से उसको कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन से फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। नो एक्सक्रीशन, CO2 एंड बिलीरुबिन आर एक्सक्रीटेड बाय द फिटस थ्रू प्लासेंटा। तो एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी इसका ये है कि जो फीटस है वो CO2 को एक्सक्रीट करता है, साथ साथ बिलीरुबिन को भी वो एक्सक्रीट करता है। तो ये किसके थ्रू होता है? प्लासेंटा। बिलीरुबिन भी फीटस का बेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय जो आपका हीमोग्लोबिन है वो उस समय जो रेड ब्लड सेल्स है वो बार बार वो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। इसलिए उसका बिलीरुबिन और CO2 ये आपका दोनों इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाता है। नाउ है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो प्लासेंटा है वो एक तरह से इन्फेक्शन के लिए बैरियर बन जाता है, ठीक है। तो ये बेबी को फीटस जो है उसको ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। नाउ इंडोक्राइनल फंक्शंस। प्लासेंटा है जो बहुत सारे इंडोक्राइनल जो हार्मोन्स है उसको वो सिक्रेट करता है, जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, जो कि साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स ऑफ कोरियोनिक विलाई से वो प्रोड्यूस्ड होता है। अदर्स हार्मोन्स आर एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि ये प्लासेंटा से ही रिलीज होता है। इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये भी डेवलप्ड, मतलब कि इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है फीटस को। एंटीबॉडीज जो मदर से है वो फीटस तक पहुंचाता है, और फीटस को कुछ मंथ तक डिलीवरी के बाद में जैसे बर्थ होता है तो उसको कुछ मंथ तक ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो देखें कि हम लोग प्लासेंटा का कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन था। नाउ मूव्स टू टाइप्स, एनाटोमिकल वेरिएशंस ऑफ द प्लासेंटा एंड द कॉर्ड। इसका टाइप्स कितना है प्लासेंटा का, और प्लासेंटा और कॉर्ड के बीच कुछ एनाटोमिकल वेरिएशंस हमको देखने को मिल देगा, ठीक है। फर्स्ट इज सरकम वैलेट प्लासेंटा। तो सरकम वैलेट प्लासेंटा होता है जो कोरियन और एमनियन के डबलिंग के कारण बनता है, ठीक है। इसमें मेनली प्लासेंटा का जो शेप होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, मेनली ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर मदर डाइट बहुत ही कम ले रही है तो उस समय ये ज़्यादा डेवलप होने का चांस है, ठीक है। इसमें जो कोरियोनिक प्लेट होता है, ठीक है, जो हम लोग देखे कोरियोनिक विलाई वो सब बना, वो किधर साइड होता है? फ्यूटरल साइड में बनता है, और वो बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये सरकम वैलेट टाइप ऑफ प्लासेंटा है, ठीक है। नाउ बैटल डोर प्लासेंटा। इसमें जो कॉर्ड का अटैचमेंट होता है वो प्लासेंटा का इस मैनर में होता है, जैसे कि हम लोग रैकेट बैडमिंटन में जिस तरह रैकेट यूज़ करते हैं उस टाइप से इसमें इसका अटैचमेंट रहता है, ठीक है, बैटल डोर प्लासेंटा में। नाउ विलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। तो विलामेंटस में क्या होता है, जो कॉर्ड इंसर्ट होता है वो कुछ दूरी से आपका, कुछ सम डिस्टेंस ऑफ द एज ऑफ द प्लासेंटा, ये आपको क्या होगा उससे अटैच रहेगा, ठीक है। प्लासेंटा से जो कॉर्ड का अटैचमेंट होता है वो कुछ डिस्टेंस के बाद में अटैचमेंट होता है, जिस कारण इसकी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। नाउ है सेकेंड ट्यूरेट लोब्स ऑफ प्लासेंटा। इसमें एक एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट रहता है प्लासेंटा में, ठीक है, जो कि डिलीवरी के समय में कभी वो क्या होता है, वो यूट्रस में रिटेन हो जाता है, मतलब यूट्रस में रह जाता है, और PPH को कॉज करता है, पोस्टपार्टम हेमरेज को भी कॉज कर सकता है, ठीक है। नौ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, क्या क्या प्लासेंटा में क्या क्या चीज़ें से, मतलब कि उसका क्या क्या पार्ट्स हम लोग देख सकते हैं जिससे वो मतलब कि बनता है मेनली, ठीक है, बनता है या कह सकते हैं कि उससे वो क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैटरनल सरफेस, इसका मेनली टू टाइप ऑफ सरफेस हम लोग को देखने को मिलता है जब हम लोग प्लासेंटा को देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ द मैटरनल सरफेस एंड सेकंड वन इज़ फीटल सरफेस। तो मैटरनल सरफेस क्या है, डार्क रेड सरफेस है, ठीक है, डार्क रेड सरफेस है। तो सरफेस बताए हैं ना मैटरनल एंड फीटल, तो मैटरनल रेड कलर का होता है, रेड सरफेस है, जो कि 20 लोब्स में, लोब्स इसमें होते हैं, ठीक है। कभी भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि प्लासेंटा में कितने लोब्स होते हैं, तो 16 to 20 लोब्स प्लासेंटा में होते हैं, ठीक है। ये लोब्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं,
बाइस्यूलिक जिसको कि फ्यूरोस कहते हैं, और उसमें ही डेसिडुआ होता है जो डिप्स करके उसमें वहाँ पे मतलब कि वॉल से वॉल को फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो लोब्स होता है वो लोब्यूल से बना होता है, यहाँ पे लोब्स थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो लोब जो होता है वो लोब्यूल से बने होते हैं, ठीक है। द फीटल सरफेस वाइट साइनी एमनियन सरफेस ऑफ द प्लासेंटा, ये मेनली फीटल जो सरफेस होता है वाइट कलर का शाइनी होता है, स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। इसमें अम्ब्लाइकल वेन अम्ब्लाइकल आर्टरीज जो होता है वो विजिबल होता है, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं फिगर में, देख सकते हैं ये है मैटरनल सरफेस, ठीक है। मैटरनल सरफेस कैसा दिख रहा है, रेड, और इसके में जो बीच बीच में आप देख रहे हैं कि ये लोब जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये कम से कम 20 लोब्स नॉर्मली पाए जाते हैं, ठीक है। और ये लोब्स के अंदर में लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ना फीटल सरफेस देखिए वाइटिस है, ठीक है, थीन क्या है, साइनी है, ठीक है, और स्मूथ भी होता है। और इसमें देखिए अम्ब्लाइकल वेन और अम्ब्लाइकल आर्टरीज भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये इससे अटैच्ड होता है क्या, अम्ब्लाइकल कॉर्ड, ठीक है, जो कॉर्ड है वाइट वाइट वो अम्ब्लाइकल कॉर्ड है, इससे अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो मेनली कहाँ दिख रहा है आपको, सेंटर में, ठीक है। तो यही बताया गया है कि इसमें सेंटर में अटैच्ड होता है, ये वाइट कलर का होता है। तो ये आप लोग दोनों क्लियर हो गया, ठीक है, मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस। नौ फीटल सैक, तो बताए थे जो फर्स्ट फिगर में बताए थे कि जिसमें पूरी तरह से जो राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फीटस ग्रोइंग करते रहता है, उसी को हम लोग फीटल सैक कहते हैं। इसमें ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, वही कॉरियन एंड एमनियन दो लेयर का बना होता है, ठीक है। कॉरियन जो है वो क्या होता है और एमनियन क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो कॉरियन कैप्सुलर डेसिडुआ के ठीक क्लोजली एडहेरेंट होता है, ठीक है, मतलब उससे क्लोजली अटैच्ड होता है और यूटेराइन वॉल से अटैच्ड होता है, ठीक है। कॉरियन कॉरियन है जो हमेशा मैटरनल सरफेस जो होता है ना वो उसी साथ में, मतलब कि कॉरियन से ही मैटरनल सरफेस बनता है, ठीक है। तो कॉरियन साइड क्या होता है, मैटरनल सरफेस, और एमनियन साइड क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कॉरियन। कॉरियन इज अ थिक ओपैक फ्राइबल मेम्ब्रेन डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट से डिराइव्ड होता है, ठीक है। ये क्या है, मेम्ब्रेन है, थिक ओपैक फ्राइबल मेम्ब्रेन। तो मैटरनल सरफेस से आप लोग याद रखिएगा कॉरियन, ठीक है। इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द कॉरियोनिक प्लेट विच फॉर्म्स द बेस ऑफ द प्लासेंटा, तो प्लासेंटा का बेस इसी से ये बनता है, ठीक है। नॉ एमनियन, एमनियन इज ए स्मूथ टफ ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो आपका फीटल साइड में आपने देखा था वाइटिस, वो जो लेयर होता है वो किससे बना होता है, एमनियन से, ठीक है। तो ये ट्रांसल्यूसेंट है, स्मूथ है, ठीक है। तो ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि ये हमें आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका जो रोल है वो है कि ये एमनियोटिक फ्लूइड को बनाता है। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड का कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स में क्या होता है कि इस किस चीज़ से बना होता है। तो ये पहला जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये क्लियर फ्लूइड होता है, पेल स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है, जो कि 99% वाटर से बना होता है। और जो 1% वाटर है वो सॉलिड मैटर्स, जैसे कि और उसमें सॉलिड मैटर्स कुछ फूड सब्सटेंस कुछ वेस्ट प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। इसमें सेट्स ऑफ स्किन सेल्स वर्निक्स सेजियोशा एंड लैनिगो भी होता है, ठीक है। तो फीटस का जो सेल्स होता है, स्किन सेल, जो फर्स्ट लेयर ऑफ द फीटस होता है उसको हम लोग वर्निक्स कैसियोशा कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार भाई बहन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट लेयर ऑफ फीटस है वो क्या कहलाता है, तो वर्निक्स कैसियोशा। और लैनिगो, लैनिगो क्या है, जो फीटल का हेयर होता है पूरे स्किन में उसको लैनिगो कहते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपके एमनियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है। नाउ इट्स का ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये एमनियन से मेनली सीक्रेट होता है, ठीक है। दैट कवर्स द प्लासेंटा एंड अम्ब्लाइकल कॉर्ड, जो कि पूरे प्लासेंटा और अम्ब्लाइकल कॉर्ड को क्या किया हुआ रहता है, पूरी तरह से उसको कवर किए हुए रहता है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड कितना अमाउंट में होता है, तो 38 वीक्स तक ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो इंक्रीज करते जाता है, और फिर ये 40 वीक्स तक बहुत मतलब कि थोड़ा अमाउंट इसका रिड्यूस हो जाता है। इसका एट टर्म इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1 लीटर तक होता है,
और जब ये डिक्रीज करता है थोड़ा 40 वीक्स में, तो ये 800 ml तक पहुंचता है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि फीटल जो यूरिन होता है वो भी क्या होता है 10th वीक, मतलब कि 10th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद ये एमनियोटिक फ्लूड में ही उसमें मिलने लगता है। ठीक है, नो फंक्शंस ऑफ द एमनियोटिक फ्लूड तो अलाउ फॉर द फीटस ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द फीटस। तो ये मेनली क्या करता है, फीटस को ग्रो और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और इसका फ्री मूवमेंट में ये सबसे ज़्यादा फीटस को हेल्प करता है। नाउ इट इक्वलाइजेस प्रेशर एंड प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम जेरिंग एंड इंजरी। तो किसी टाइप का जेरिंग अगर होता है, इंजरी होता है, तो उससे इसको फीटस को प्रोटेक्ट करता है। नाउ इट इज़ अ प्रोवाइड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर द फीटस एंड ऑल्सो प्रोवाइड सम स्मॉल ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स भी कुछ प्रोवाइड करता है, और मेनली ये एडिक्वेट टेम्परेचर फीटस को प्रोवाइड करता है। थैंक यू।